कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छतरपुर में दलित के चेहरे और शरीर पर मानव मल मलने की घटना पर मध्य प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में एक महीने में ही दलित आदिवासी अत्याचार की दूसरी बेहद निंदनीय और पीड़ादायक वारदात हुई है जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। आज सावन महीने के तीसरा सोमवार है। उज्जैन का महाकाल मंदिर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। बस आरती के लिए रात 12 बजे से भक्त मंदिर पहुंच चुके थे। तड़के 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान को बस में चढ़ाई गई। पंचामृत अभिषेक पूजन कर मांग चंदन से राजस्वरूप दिव्य श्रृंगार किया गया। मध्य प्रदेश में बारिश के 4 सिस्टम एक्टिव हैं, हालांकि इनका असर पूरे प्रदेश में नहीं है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तटे हम्पी के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग में सिस्टम एक्टिव रहेंगे। 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ज्ञान व्यापी परिसर के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाराणसी कोर्ट के पूरे ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को 26 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद ही लागू किया जाए। दिल्ली से बिहार जा रही टूरिस्ट बस में अहमदपुर के कुबेरपुर के पास आग लग गई। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को किनारे में रोक लिया। बस के पिछले हिस्से में आग लगी। आग देख यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वे तत्काल बस से सुरक्षित निकालकर भाग निकले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर बदल रहा है, हर जगह नयापन नजर आ रहा है। 5 साल पहले यहां आया व्यक्ति आज आकर यहां के विकास से अपना रास्ता भूल सकता है। गोरखपुर में एक तरफ एम्स है तो दूसरी तरफ खाद कारखाने की जगमगाहट। केदारनाथ यात्रा ट्रैक पर स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट सौरभ गैरवाल को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि ये मामला सार्वजनिक महत्व से जुड़ा है। मणिपुर 2.5 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहा है। इसी बीच राज्य के BJP विधायक पाउलीन लाल हाउकिप ने कहा कि हिंसा में राज्य सरकार भी शामिल है। सरकार के मिलीभगत की वजह से हिंसा पर 2.5 महीने बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। इंडिया टुडे में लिखे एक आर्टिकल में उन्होंने ये बात कही है। बीती रात हुई भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर बाधित हो गया। गोचर के कमेड़ा में हाईवे करीब 20 मीटर तक ध्वस्त हो गया। यहाँ भारी मात्रा में हाईवे पर मलबा आ गया। इसके अलावा छिनका में भी पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से हाईवे बाधित है। हाईवे बंद होने पर जगह जगह 1000 से अधिक तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जैन को अंतरिम जमानत दे दी। इस केस में पिछली सुनवाई 10 जुलाई को हुई थी जिसमें कोर्ट ने उसकी जमानत 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी।